गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल, जो कि आप लोगों के भी फेवरेट होंगे और मेरा तो खैर है। तो मैं आज आपको बताऊंगी रेसिपी वो मेरी मम्मी की, मेरी मम्मी कैसे बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टमाटर को काट लिया है पीसने के लिए अच्छे से। फिर उसके बाद ये चार प्याज लिए हैं, उन्हें भी ऐसे ही काट लीजिए पीसने के लिए अच्छे से। और उसी में मैंने लहसुन और अदरक डाला है और हमारे खेत की ये पकी हुई हरी मिर्च, यही मैं डालूंगी पीस के। और फिर राजमा अच्छे से पक गए हैं, ऐसे चेक कर लो उंगली से देख के। कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल में डालेंगे जीरा, उसके बाद तेज़पत्ता डालेंगे। तेज़पत्ता डालने के बाद फिर जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था जिसमें अदरक लहसुन सब डाला था वो डाल देंगे। और बस फिर उसके बाद हमें उसे अच्छे से भूनना है ब्राउन होने तक, चलाते जाएं वरना ये नीचे लग जाएगी। तब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और टमाटर क्या है कि जैसे हम डालते हैं ऐसे ऊपर आता रहेगा उछल उछल के, तो क्या करें आप कि इसमें नमक डाल दें। मैंने नहीं डाला, पर आप अगर पहले ही नमक डाल देंगे तो ये नहीं करेगा। उसके बाद फिर लाल मिर्च डालिए, हल्दी डालिए, जितने भी मसाले होते हैं बेसिक वो डाल दीजिए। धनिया थानी ख़त्म हो गया था तो नहीं डाला, और हींग डाली। उसके बाद फिर अच्छे से मिक्स किया। हमने ये मसाला पीसा हुआ था इसमें थोड़ा पानी डाल के ये डालेंगे। ये देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है मसाले का। अब मसाले को तब तक पकाएंगे तब तक तेल अलग नहीं हो जाता है। अब इसके अंदर डालेंगे हम राजमा, जो हमारे बॉईल किए हुए राजमा हैं। फिर सारे राजमा डाल के अपना अच्छे से मिक्स करिए और पानी बिल्कुल चेंज ना करिए, जिस पानी में बॉईल करें उसी पानी के साथ राजमा डाल दीजिए। तो ये बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। और मैं नमक भूल गई थी डालना, तो नमक डाल दिया है, आप बिल्कुल मत भूलना। अब मैंने नमक चेक किया जो कि मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल फिट है और टेस्ट भी एकदम मस्त लग रहा है। और ये बॉईल हो गए अच्छे से और थिक हो गई है ग्रेवी। अब सर्व करते हैं ये एकदम गर्मा गर्म राजमा। अब हम चावल के ऊपर डालेंगे, आप देख के ही टेस्ट का आइडिया लगा सकते हैं ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। एकदम होते हैं ना थिक थिक, एकदम मलाई जैसे राजमा वैसे लग रहे हैं। तो बस चावल के ऊपर डालिए, थोड़े दो तीन टुकड़े प्याज के लीजिए और मस्त एकदम। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि राजमा कैसे बने हैं। दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब टेस्ट करिए। सच में राजमा का कोई जवाब नहीं था, मतलब मेरा तो मुंह में जाने के बाद सिस्टम हिल गया कि इतने टेस्टी राजमा है। सबसे पहले मैं खा रही हूँ, बाद में कुछ करूँगी। तो बस मैंने राजमा खाए जो बहुत टेस्टी बने थे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब।